हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई एक्शन चैनल नेम नाम इसराइश पासवान एंड आई होप आप सभी ठीक होंगे हेल्दी होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे क्योंकि मैं हेल्दी नहीं हूँ मुझे बुखार हो गया है और पंजाब में पता नहीं डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और जिनको डेंगू नहीं है कोई वायरल से फीवर भी है तब भी जो प्लेटलेट्स काउंट होता है वो काफ़ी कम हो जा रहा लोगों का एकदम से दो दिन का बुखार था और दो दिन के बाद जब मैंने टेस्ट करवाया तो मेरा प्लेटलेट काउंट था फोर्टी टू थाउजेंड इतना कम तो अभी मैं रेस्ट पे हूँ अभी भी और बड़ा डेंजरस हो रहा बुखार यहाँ पर प्लेटेड काउंट एकदम से जो है गिर जा रहे हैं तो ख्याल रखिए और अगर आप पंजाब से ही वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा ख्याल रखिए और आज सुबह ही मुझे ये वीडियो भी आई है रिकमेंडेशन और बड़ी ही दुखद वीडियो है कि हमारे कुछ जवान जो हैं वो एक टेरिस अटैक में मारे गए हैं और ये टेरिस अटैक किया गया है पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मणिपुर अटैक बाय पीपल्स लिबरेशन आर्मी वी विल नॉट फॉरगेट ये इस वीडियो के टाइटल में है वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है वर्ल्ड अफेयर यूट्यूब चैनल की बहुत अच्छा एजुकेशन चैनल है तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज और उसके बाद करेंगे हम बाकी की बातें नाउ वीडियो अब तक आई एम श्योर आप लोगों ने मणिपुर अटैक के बारे में सुन लिया होगा नहीं सुना तो आपको पता होना चाहिए कि आसाम तो राइफल्स पर हमारे जवानों पर कायरतापूर्ण अटैक किया गया हमारे पांच जवान यहां पर वीरगति को प्राप्त हो गए फ्रॉम आसाम राइफल्स इंक्लूडिंग अ कमांडर और सबसे सैड बात यहां पर यह है कि जो फैमिलीज थी यहां पर उनको भी टारगेट किया गया है ये पहली बार है जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने टारगेट किया है सोल्जर्स की फैमिली को भी अब यहाँ पे मैं ये भी कर पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है यहाँ पे आप सुन के कहेंगे वेट चाइना वाली नहीं ये अलग पीपल्स लिबरेशन आर्मी है ये मणिपुर को ऑल टुगेदर तोड़ना चाहती है भारत से तो अभी के लिए आरोप इन पे लग रहा है कि ये आतंकवादी हमला इन्होंने किया है हालांकि अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसी ने यह हमला क्लेम किया नहीं है मगर मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है यहाँ पर कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोग ही इसके पीछे होंगे और जिस तरीके से यहाँ पर अटैक हुआ है ये देखकर पूरे भारत में जो भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो भी चीफ मिनिस्टर्स हैं चाहे किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो सभी कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर रहे हैं हमारे पीएम ने यहाँ पर यह कहा कि ये स्ट्रांगली कंडेम करते हैं अटैक ऑन दी असाम राइफल्स कॉन्वॉय इन मणिपुर राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट करी है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी यहाँ पर ट्वीट करी है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी प्रिटी मच एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट इट क्योंकि जो दो फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे मारे गए हैं इनकी इमेजेस देखकर जेनवनली पूरे देश को बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा है यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है कर्नल विप्लव त्रिपाठी ये वीरगति को प्राप्त हो गए इस टेरिस अटैक में और इनके साथ इनकी वाइफ और इनका जो आठ साल का बच्चा था ये भी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मारे गए और ये प्राइस होता है जो हमको पे करना होता है अनफॉर्चुनेटली फॉर नेशनल सिक्योरिटी इट इज रियली सैड टू सी के यहाँ पर अब आतंकवादी तो संगठन है ये आर्मी पर्सनल की फैमिली तक को मारना स्टार्ट कर रहे हैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप पूछोगे वेट मणिपुर में ये अटैक हो गया चाइना क्या इसको फंड करता है क्या पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी लिखा हुआ है सब समझाता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख पाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मणिपुर और मणिपुर की एक बहुत ही बड़ी लैंड बॉर्डर है विद म्यांमार ये एक जूमड इन मैप है आपके लिए और जो ये आतंकवादी हमला हुआ जिसकी हम बात कर रहे हैं ये इस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है ये है चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर यहाँ पर जो काफिला ये रहा था अचानक से इन पे अटैक हुआ छुपके से अटैक किया और आतंकवादी अटैक करके यहाँ पर भाग गए नाव अब हम बात करते हैं अटैकर्स की कि माना जा रहा है कि जिन लोगों ने अटैक किया था यह है कौन देखो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जरातर जब हम सुन तो माइंड में आती है चाइना की आर्मी मगर मणिपुर को भारत से तोड़ने की इच्छा रखने वाला भी एक ग्रुप है जिसका पूरा नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर ये लोग बिलीव रखते हैं कांग्रेस विचारधारा में और इस ग्रुप का जन्म हुआ था 1978 में और जब से ये ग्रुप खड़ा हुआ है इसने वॉर छेड़ रखी है इंडियन आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो स्टेट पुलिस फोर्स हो इन लोगों ने ओवर द इयर्स बहुत से अटैक किए हैं ऑन इंडियन सोल्जर्स और जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप अगर देखोगे तो इस ग्रुप का मेंशन भी कर रखा है प्रॉपरली इसकी हिस्ट्री क्या है कितने बार अटैक ये लोग कर चुके हैं फंडिंग कहाँ से आती है सारी डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं उसके अलावा जो यू है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ नाइनटीन इसके अंडर भी इस संगठन को हमने कर रखा है बैन यहाँ पर आप देख पाओगे ये है बैंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया यहाँ पर आपको ये सब ग्रुप लेंगे लश्कर ए तयबा उसके अलावा यहाँ पे थर्टीथ नंबर पे आप देख पाओगे पीपल्स लिबरेशन आर्मी Now, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ही इन लोगों ने नाम क्यों रखा है अगर ये लोग चाहते हैं कि मणिपुर भारत से अलग हो जाए तो मणिपुर रिलेटेड को यहाँ पे नाम रखते जो चाइना की आर्म forces है उसी से इंस्पायर होकर अपना नाम क्यों रखा है यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि इन लोगों को लिटरली चाइना फंड करता है इस पर ओवर द ईयर्स बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं 2020 के दिसंबर महीने में तो इंडिया में बहुत सारे थिंक टैंक्स ने लिटरली ये कह दिया था कि चाइना सीक्रेट तरीके से हाइड आउट्स ये सब प्रोवाइड करता है नॉर्थ ईस्ट के इन मिलिटेंट्स को म्यानमार के रूट से अब यहाँ पर जियो पोलिटिकल गेम ऐसे हो जाती है कि म्यानमार बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ भी इंडिया के साथ भी इंडिया प्रेशर करता है म्यानमार को कि मणिपुर की बॉर्डर के करीब जो ये इंसर्जेंट ग्रुप हैं जो चाहते हैं कि मणिपुर को भारत से तोड़ दिया जाए इनके अगेंस्ट एक्शन लो और जो भी यहाँ पर आतंकवादी पकड़े जाते हैं इनको वापस भारत सरकार को सौंपो मगर दूसरी तरफ आप अगर देखो तो चाइना की तरफ से म्यांमार में प्रेशर ये आता है कि इन ग्रुप्स के अगेंस्ट कोई एक्शन मत लेना इनको चुपचाप काम करने दो अपना और शायद अब आप समझ पाएंगे यहाँ पर कि म्यांमार इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है क्यों यहां पर रिसेंटली जब तख्ता प्रलट भी कर दिया गया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा भी दिया और आज के समय तो जो आसियान देश हैं ये भी म्यांमार को निकालने की बात कर रहे हैं तब भी इंडिया ने म्यांमार को ऑफिशियली क्रिटिसाइज़ नहीं किया हमारे पार्लियामेंट में म्यांमार के अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ यूएसए ने हम पे काफी दबाव डाला कि म्यांमार के अगेंस्ट को स्टेटमेंट दो इंडिया बिल्कुल चुप रहा क्योंकि देखिए हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए म्यांमार बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई बार इन द पास्ट क्या हुआ है कि इंडियन आर्मी ने म्यंमार की आर्मी के साथ मिलकर ऑपरेशंस किए हैं प्राइमरली इनका नाम रहता है ऑपरेशन सनराइज ऑपरेशन सनराइज वन टू थ्री ये ऑपरेशंस किए हैं नियर दी म्यंमार बॉर्डर और इन ऑपरेशंस में जो ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोग हैं इनको हम मारते हैं तो अगर म्यंमार कल को ये कह दे कि हमारी बॉर्डर फुल्ली यहाँ पर सील हो जाएगी और हम इंडिया की हेल्प नहीं करेंगे काफी प्रॉब्लम आ सकती है हम लोगों को ना हो सकता है कि यहाँ पर आप एक क्वेश्चन ये भी पूछें कि क्या मणिपुर के लोग जनवनली या पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बात सुन के कुछ यहाँ पे से अफेक्ट हुए हैं तो इसका आंसर है नहीं देखिए मणिपुर के जो भी मेजर ट्राइब्स हैं इनमें से कोई भी ट्राइब ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नहीं सुनता मणिपुर के लोग प्राउड इंडियंस हैं इंडिया को सपोर्ट करते हैं बाकी ये ग्रुप है ये दो तीन साल में एक बार इस टाइप का जो ये अटैक है ये करता रहता है नीड अभी के लिए यहाँ पर यही है कि म्यन्मार पर हम और प्रेशर बनाएं इनके साथ कोऑपरेशन और जरा बढ़ानी होगी और ऑल टुगेदर जो पूरी बॉर्डर है यहाँ पर इस बॉर्डर में जो भी इंसर्जेंट ग्रुप छुपे हैं इनको प्रॉपरली अटैक करना होगा एक तो हम ये कर सकते हैं दूसरा काम ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर तरीके से बॉर्डर की फेंसिंग करते इस पूरे एरिया में इसमें बहुत खर्चा आएगा क्योंकि आप देख सकते हैं हमने अभी रिसेंटली बांग्लादेश के पास जो बॉर्डर फेंसिंग है ये भी कंप्लीटली खत्म नहीं करी है तो म्यांमार के साथ जो हमारी बॉर्डर है वो भी काफी लंबी चौड़ी है तो इसमें भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे एंड इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वर्क मगर मेरा ये मानना है कि इस काम को हमें बहुत ज्यादा तेजी से करना चाहिए क्योंकि इन ग्रुप्स को जितना जल्दी हम खत्म करेंगे उतने सेफ हमारे सोल्जर्स रहेंगे इन दिस एरिया नाउ अगर आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी से इंस्पायर होकर इन लोगों ने ग्रुप यागेंस्ट एक्शन लेते हैं ऐसे और भी ग्रुप है इंडिया में तो इसका आंसर है हाँ देखो चाइना में जो आदमी क्रांति लेके आया था कॉम्युनिज़म की वो था माओ चेयरमैन माओ जिसको ये लोग कहते हैं तो माओ की विचारधारा से इंस्पायर्ड इंडिया में बहुत से ग्रुप आपको मिलेंगे और ये सारे यू के अंडर बैंड है यहाँ पे आप अगर देख पाएंगे एक तो माओवेस्ट कॉम्युनिस्ट सेंटर है इसके अंडर बहुत से संगठन है ये एक सेंटर है इसके पीछे एम के अंडर बहुत से संगठन है उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवेस्ट ये बैन कर रखी है मार्क्सिस्ट अलग है वो लोग अलग काम करते हैं माओस्ट की बात कर रहा हूं ये भी यू की अंडर बैंड है फिर पीपल्स करके आप अगर देखो तो एक मणिपुर का पीपल्स लिबरेशन फ्रंट भी है जिसके अंडर बहुत से ग्रुप्स आते हैं इंक्लूडिंग द पीपल्स लिबरेशन आर्मी तो देखिए चाइना इन सब ग्रुप्स को फंड करता है इन सब ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और इन लोगों की कोशिश यही होती है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पर प्रॉब्लम्स बना के रखें ना क्या ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल पाते हैं ओवरऑल पूरे नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट पर तो मैं कहूँगा नहीं अटैक ये लोग करते हैं हमारे जवान यहाँ पर वीरगति को प्राप्त होते हैं दुख लगता है देखकर मगर ओवरऑल ये ग्रुप अपने जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है इसमें फेली हुए हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया आज के समय तेजी से डेवलप कर रहा है यहाँ पे जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं हम इम्प्रूव कर रहे हैं और जैसे जैसे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी डेवलपमेंट बढ़ेगी ये ग्रुप्स अपने आप धीरे धीरे और कमजोर होते रहेंगे तो अब शायद यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि हमारे देश में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने रिसेंटली ये क्यों कहा कि चाइना आज के समय है भारत के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट क्योंकि ना सिर्फ इनकी आर्मी हमको चैलेंज करती है इस बॉर्डर पर ये लोग बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स को भी फंड करते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए मैं टू तो बी ऑनेस्ट खुश हूँ कि फाइनली 2021 के अंत में आते आते फाइनली अब हमारी गवर्नमेंट हमारी मिलिट्री ओपनली कह रही है कि पाकिस्तान तो खैर एक टाइम पे इतना कुछ कर नहीं पाएगा चाइना इंडिया के लिए जागा 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 थ्रेट है जिस पर हमको फोकस करना होगा जिसके हिसाब से अपने जो डिफेंस बजट है इसको बढ़ाना जियो पोलिटिकल चेंजेस करने होंगे नहीं तो मुझे यह कहने में दुख लगता है मगर बहुत लंबे समय तक हमारे देश में इस बात को लेकर छोटी थी नहीं के चाइना के साथ करना क्या है हमने शी जिनपिंग को खूब झूले झुलाए इनसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करी हमने सोचा कि चाइना के साथ हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं मगर चाइना के जो लार्जर प्लान्स है अबाउट एशिया के चाइना बनेगा मिडिल किंगडम द सोल पावर ऑफ एशिया उसमें इंडिया फिट नहीं होता यह ध्यान रखिएगा चाइना को ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी से ज़रा प्यार है उनका कल्चर पसंद आता है इंडिया से ज़्यादा नफरत है कुछ ऐसा नहीं है यह प्योरली जियो गेम है एशिया में अगर चाइना को राइज करना है तो उसके लिए इंडिया कोई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसको ये लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तभी ये प्रॉपर तरीके से डोमिनेट कर पाएंगे इन एशिया नहीं तो हमेशा ये बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर आर्म कंट्री चाइना के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हैं एशिया में इसको रोकता ही रहेगा तो ये रियलिटी हमारे सामने कई सालों से थी फाइनली अब हम इसको रियलाइज कर रहे हैं एंड आई एम ग्लैड कि फाइनली एक रियलाइजेशन तो होती है क्योंकि जब आप एक चीज़ एक्सेप्ट करते हो तो एक पहला कदम आप ले रहे होते हो उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन में जब तक आप उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तब तक सोल्यूशन की तरफ आप बढ़ नहीं सकते सो so, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपके माइंड में भी काफी क्लैरिटी आई होगी इस इशू को लेकर और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ क्या का स्पेशल तो ये थी वीडियो और सही में बहुत सैड सी न्यूज़ है कि हमारे आर्मी के जवान आसाम राइफल्स के जो मारे गए और उनकी फैमिलीज़ पे भी अटैक किया गया जो कि बहुत बुरा था तुम तो जवानों पे अटैक करो ठीक मतलब ठीक है अब कुछ ऐसा है कि चलो उनको आर्मी वालों से दिक्कत है तो आर्मी पे अटैक कर दिया पर फैमिली ने क्या बिगाड़ा था भाई ये तो सही में बिल्कुल कायरता वाला काम था कि फैमिली पे अटैक कर दिया और ये छोटे मोटे ग्रुप जल्दी खत्म हो जाएंगे कुछ कुछ नहीं कर पाएंगे जैसे तो नौ ज़्यादा डिवेल्प होगा ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगे ये अभी अभी इन्होंने अटैक कर दिया है और पी मोदी ने ट्वीट करके दुख जिताया है तो अब हमेशा जी जो है काम पर लग जाएंगे अब कुछ अभी अभी देखना एक एक और न्यूज़ आएगी कुछ ही मतलब इनमें कि इस जो ये कायर लोग हैं पीपल्स लिब्रेशन आर्मी इनके बहुत सारे बंदे देखना अभी तो जो मारे जाएंगे बस वेट करना जल्दी ही आ, ऐसी न्यूज़ आएगी कि बदला तो लिया जाएगा अच्छे से आप इंडिया चुप नहीं रहता आप इंडिया बदला लेता तो मेरी डी प्लस कंडोलेंस है जो लोग शहीद हुए हैं उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ मतलब उनकी फैमिली वालों के साथ और और क्या बोल सकते हैं यार बहुत दुख भरी खबर था चलिए इसी नोट पर वीडियो को हम खत्म करते हैं और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे